समोसम कैसे मिक्स करें। समोसम मिक्स करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पानी लें दोस्तों। हमें जो है सबसे पहले अपने जो है हमारी छत, इस पर समोसम लगानी है तो हमें थोड़ी सी मिक्स करनी है। हम उसी हिसाब से पानी लिया है हमने, ये 1 लीटर के करीब। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी समोसम डालेंगे। समोसम थोड़ी थोड़ी डालने के बाद इसको आपस में मिक्स करेंगे। तो दोस्तों देखो हम कैसे समोसम डाल रहे हैं और किस तरीके से मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले इसी तरीके से दोनों हाथों से मिक्स करनी है, और ये जो देख रहे हो इस तरीके से दोनों हाथों से मिक्स करके पानी इसमें बैठ जाता है। तब थोड़ा थोड़ा करके और समोसम डालें, इसी प्रकार डालें। समोसम इसी प्रकार डालते रहें और अपने दोनों हाथों से इसी तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें। तो ये मैं मिक्स करवा रहा हूँ लड़कों से, ये देख सकते हो। और दोस्तों याद रहे पानी कभी भी ज़्यादा नहीं डालना है, पानी की मात्रा कमी रखनी है। यानी कि अगर पूरे कट्टे को आपको मिक्स करना है तो पूरे कट्टे में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर पानी ले सकते हो और उस पूरे कट्टे को डाल सकते हो। फिर धीरे धीरे देखो, ये देखो दोस्तों ये मिक्स हो चुकी है, ये मैं मिला चुका हूँ देखो दोस्तों। मगर अब इसमें देखो मैं फेमिकोल डलवाऊँगा, हाथ साफ करेंगे। ये हमें बस थोड़ी सी छत पर मारना है, ये इसने बंदे ने हाथ धो लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें फेमिकोल डालेंगे इसके अनुसार। ये हमने थोड़ा सा फेमिकोल इसमें पहले डाल लिया है और अब डालते हैं। और इस पानी को अगर गर्म पानी में डालो घोलोगे तो और अच्छी बात है, इसे पहले अच्छी तरीके से घोल लो। ये अपने हाथ से इस फेमिकोल को पहले अच्छी तरीके से घोलना है, इसे घोलेंगे। ये देखो दोस्तों हमने जो फेमिकोल घोल लिया है, अब इस फेमिकोल को हम अपनी समोसम में डालेंगे। समोसम में डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे दोस्तों। इसमें थोड़ा 250 ग्राम के करीब हमने फेमिकोल डाला था और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके अपने ब्रश के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे, जिससे कि हमारा ब्रश आसानी से चल सके। तो दोस्तों अब हम तुम्हें करके दिखाते हैं समोसम। दोस्तों अगर आपको दीवार पे, यानी कि जिस दीवार पे पेंट ही नहीं हुआ उस पर करनी है तो पानी लगा के करनी पड़ेगी। दोस्तों ये समोसम हमने छत के लिए बनाई थी, छत पे हमें वाइट समोसम लगानी है। तो दोस्तों ये हम डबल कोट लगा रहे हैं इस टाइम, शाइनिंग तो सिंगल कोट में भी आ रही है लेकिन हमें डबल कोट का ठेका था हमारा, तो इसलिए डबल कोट लग रहा है, ये देख सकते हो। और जैसे अब ये दीवार है इस पर, इस हम सर्दियों में कर रहे हैं तो इस पर पानी नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अगर आप गर्मियों में करोगे तो इसी पलस्तर पर, जैसे ये पलस्तर है इस पर कोई पेंट नहीं है, तो ऐसे पलस्तर पर आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट।